हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सिंगाड़े के आटे की बर्फी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए हम बिना देरी किए आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमने 5 से 6 चम्मच देसी घी ले लिए हैं और 10 से 12 कटे हुए बादाम और 4 बादाम को खड़े रखे हैं और 10 से 12 इलायची के दाने निकाल लिए हैं, 1 कटोरी सिंघाड़े के आटे और ग्रेट किया हुआ नारियल। आपके पास अगर नारियल का पूरा हो तो भी यूज कर सकते हैं। अब आइए आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम कढ़ाई में पूरा घी डालेंगे। घी को पहले इतना ही डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो बाद में और घी यूज़ कर लेंगे हम। अब इसमें आटे को डालेंगे। हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और आटे को भूनेंगे। हमें आटे को कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से आटा हमारा जल जाएगा। इसी तरह हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सॉफ्ट होता है। और 2 चम्मच और घी डालेंगे। तो देख सकते हैं हमारा घी में पूरा आटा अच्छे से मिल चुका है। अब ये जैसे जैसे भूनते जाएगा वैसे वैसे इसका आटे का कलर चेंज होते जाएगा। बस आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। तो देख सकते हैं हमारा कलर चेंज होने लगा और घी भी निकल आया है। देख सकते हैं पूरा कलर चेंज हो चुका और घी कैसे निकल आ गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा घी हमारा निकल चुका है आटे में से। अब आइए इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। ये नारियल ग्रेट किया हुआ नारियल है और इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू डालेंगे और इसी में से थोड़े से हमें बचा भी लेना है गार्निशिंग के लिए। अब इसको भी हम 5 मिनट तक भूनेंगे ऐसे ही कंटिन्यू। इसको भी हम चलाते रहेंगे कि अच्छे से भून जाए। और गैस इलायची भी हमने इसी समय डाल दिया है, वो वीडियो स्किप हो गया है। आप इसी समय इलायची भी डाल दीजिएगा। तो ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब आइए हम इसमें चीनी डालते हैं। चीनी आप कम, आपको कितना मीठा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग चीनी रख सकते हैं। अब इसको भी हमें मिला लेना अच्छे से। चीनी को हमें पहले ही डालना है, पानी डालने के बाद चीनी नहीं डालना है। आइए अब हम इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं अच्छे से। एकदम पतला घोल इसका हमें तैयार करना है। तो ये देख सकते हैं हमने घोल एक तैयार कर लिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ये हमको पकाना है ताकि आटा हमारा अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहे। और ये हमारा एकदम थिक हो जाएगा तो गैस को हम ऑफ करेंगे। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। तो ये देख सकते हैं हमारा पूरा थिक हो गया है अच्छे से। तो आइए अब हम इसको निकालेंगे किसी बर्तन में। गैस को ऑफ कर लीजिए। तो इसमें हम पहले से ऑयल ग्रीस कर लिया है। आप जिस भी बर्तन में निकाले उसमें नीचे ऑयल ग्रीस कर लीजिए पहले। तो आइए हम इस सारे बैटर को इसमें डाल देते हैं। अब इसको फैला लेंगे। अब सावधानी से फैलाइए, बहुत गर्म है। तो देख सकते हैं हमने फैला लिया अच्छे से। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू बादाम इसमें हम डाल देंगे। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देख सकते हैं 15-20 मिनट के बाद एकदम हमारा सेट हो चुका है बर्फी। अब इसमें आइए हम कट लगा लेते हैं। लंबे आकार में एक कट लगाएंगे और फिर आप पीसेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब आइए हम इस आकार में एक बार पीसेस कर लेते हैं। आपको जितना बड़ा पीसेस रखना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो आइए हम एक पीस आपको निकाल के देखा, देख सकते हैं कितना ही देखने में स्वादिष्ट लग रहा है और पीस भी एकदम अच्छे से निकल आई है। तो देखिए आपको हम दिखाते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी भी है। तो गैस
आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नए रेसिपी का, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।